Assalamualaikum, welcome back to my channel, my brand new vlog और मेरी हेयर बैंड की कलेक्शन के साथ मैं आ गई हूँ आपके साथ। कैसी लग रही है आपको हेयर बैंड की कलेक्शन? आज का पूरा व्लॉग होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो आप सबने कहीं नहीं जाना, बैठे रहना है यहीं पे, क्योंकि आज मैं आपको वो डिज़ाइन दिखाने वाली हूँ जो आपकी आंखों ने कभी नहीं देखे होंगे। बिल्कुल सही सुना आपके कानों ने कि ऐसे डिज़ाइंस आपने बहुत बहुत यूनिक डिज़ाइंस मैं आपको दिखा रही हूँ। चेक करें, इन डिज़ाइंस पे मेरा भी दिल आ गया था और इनमें से कुछ मैंने पिक किए जो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे तो इन सब डिज़ाइंस पे मेरा दिल आ गया था। ये हुआ कैसे और कहाँ पहुँची मैं, आई थिंक कुछ लोग समझ गए होंगे, कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आई, तो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी। लेकिन ये वाली जो कलेक्शन है ना, ये मुझे मैं काफ़ी दुबई में हर जगह हर मॉल में जा चुकी हूँ, बट कहीं पे भी मुझे ये इस टाइप की कलेक्शन नहीं नज़र आई जितनी यहाँ पे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मैं आपको बता नहीं सकती, आपको पता चल जाओगे तो मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे। ये चेक करें जनाब, कितनी ज़बरदस्त कलेक्शन है, कितनी क्यूट यहाँ पे पीसेस हैं। माजरा कुछ ऐसा है जनाब कि आजकल जो है, आपको मैंने पिछले अपने व्लॉग में बताया था कि मेरे हेयर बैंड्स के ऊपर जो है दिल आ गया है, मैंने जो है दिल फेंक दिया है। अब हेयर बैंड्स पे आजकल मैं बहुत ज़्यादा मैं फिदा हो गई हूँ, तो हेयर बैंड्स की खोज में लग गई हूँ कि कहाँ अच्छे मिलेंगे। तो कभी कभी मेरा ऐसा भी दिल करता है मैं क्राउन पहनूँ, और बस क्या करूँ, शहज़ादी बन नहीं सकी तो बस शहज़ादी बनने की एक्टिंग करती रहती हूँ। भाई मैं क्राउन भी पहनने का बड़ा कोई आजकल बेहतर है। उसके बाद क्या आपको बताऊं कि हेयर बैंड्स पे कितना दिल आया, तो हेयर बैंड्स की सर्च में खोज में मैं लगी और फिर मुझे ये शॉप्स नज़र आई यहाँ पे। तो ऐसे गुजरते गुजरते मुझे ना, पिछली दफ़ा जब मैं यहाँ आई तो मुझे ये शॉप्स यहाँ पे नज़र आई, बस मेरी नज़र वहाँ पड़ी तो मैं बस दिमाग में क्लिक हुआ कि क्या नेक्स्ट टाइम। मैंने सोचा भाई इस दफ़ा तो चलो हो गया, मैं घर चलेगी वापस। तो रात को मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, सोच सोच के अल्लाह मैं क्यों गुजर गई, मैंने क्यों नहीं लिया। तो फिर जी मैं भूलती नहीं हूँ ऐसी चीज़ें ना, फिर जी मैंने सोचा था ज़रूर ऐसा कोई मौका आएगा जिस पर मैं ये पहनूंगी, तो ऐसा मौका आने वाला है। आपको मैंने उस दिन भी बताया, तो ऐसा मौका आने वाला है जिस पर मैं ईयरबैंड भी पहनूंगी, और वो ड्रेसेस जो मैंने आपको दिखाए थे वो भी उनमें से कोई एक ड्रेस मैं पहनूँगी। तो बस आपने अभी तक से किसी ने भी गैस नहीं किया ना, किसी ने भी वो गैस नहीं किया जो कुछ बोल रहे थे एनिमल्स भी है और बाकी सब, किसी ने इतना खास गेस कोई नहीं किया। तो गेस करो भाई, आज का व्लॉग है लास्ट, उसके बाद नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है वो वाला, तो बहुत एक्साइटिंग व्लॉग होने वाला है। और आप सब ने ज़रूर जो है वो मुझे बताना है कि क्या ऐसा मौका आने वाला है जिस पे मैं वो वाला ड्रेस पहनूंगी और फिर हेयरबैंड भी पहनूंगी। क्यों मैं इतनी खुशी क्यों मैं इतनी खुश हूँ। तो चले जी, बहुत ही बातें करती हूँ मैं। अच्छा, आप जो हैं ये क्यूट क्यूट पीसेस देखें, इंजॉय कीजिए, ज्वेलरी जो आपको अच्छी लग रही हो उनमें से आप विंडो शॉपिंग कर सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने क्यूट क्यूट चीज़ें और पीसेस होंगी कि आपका दिल हर पीस पे आ जाएगा। पर क्या करें, कुछ नहीं कर सकती, मैं भी कुछ नहीं कर सकती, आप भी नहीं। चेक करें, यहाँ पर सेट लगे हुए थे कितने क्यूट और कितनी ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग थी इनकी। ये हैं तो सब आर्टिफिशियल, बट लगते हैं इनके ऊपर, ये बोलते हैं कि गोल्ड प्लेटेड होते हैं। गोल्ड प्लेटेड मैंने लेके देखा, बट होते कोई नहीं है गोल्ड प्लेटेड। काफ़ी दफ़ा धोखा खाया हम लोगों ने, गोल्ड प्लेटेड जो है उनका कलर फेड हो जाता है। और इस तरफ चेक कीजिए ग्लासेस, सन ग्लासेस कितनी कोई फंकी, कितनी कोई स्टाइलिश किस्म की सन ग्लासेज हैं। ये भी एक दफ़ा जब मैं पिछली दफ़ा गुजरी थी, मैंने सोचा था ये मैं लूँगी, बट फिर जब मैंने लगाई ट्राई की तो मैं कार्टून लग रही थी इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया ना। वैसे तो ये बहुत ज़बरदस्त लग रही थी सन ग्लासेज स्टोन्स के साथ, आजकल बहुत फैशन में इन है, जैसे कि लॉन के सूट के साथ जो है फ़ोटोशूट में उन्होंने पहने होते हैं। तो वहाँ पे भी मेरे माइंड में क्लिक किया, मैंने कहा मुझे भी पहनना चाहिए, क्यों नहीं मैं पहनती हुई। तो जब मैंने यहाँ के ट्राई किया तो मैं कार्टून लग रही थी, फिर मैंने सोचा कार्टून लगने से बेहतर है कि ना पहने जाए, क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि इनके ऊपर स्टोन्स लगे होते हैं, ये बोलते हैं कि स्वारोस्कीज हैं, तो शायद इस वजह से ये एक्सपेंसिव है या पता नहीं क्या पता। बट मैंने ये छोड़ दिया जब मैंने देखा कि अपने आप को मिरर में वाकई कार्टून लग रही है,
तो क्या फ़ायदा, फिर इसलिए मैंने छोड़ दिया। और ये इस तरफ देखिए, ये लैंप कलेक्शन है। लैंप जो है ये कस्टमाइज टाइप है, आपको किसी भी अगर कलर में अपना कलर आपने कोई चूज़ करना है तो वो भी आप इनको बता सकते हैं, वो नेक्स्ट टाइम आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। और वैसे तो यहाँ पे पूरे रेंज है कलर की, चेक करें, हर कलर में आपको यहाँ पे लैंप के साथ टिश्यू बॉक्स मिलेगा और साथ जो है मेकअप बॉक्स, कुछ भी आप यहाँ पे कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे जैसे कि बेडरूम सेट्स होते हैं ना, पूरा एक थीम होता है, तो पूरा एक थीम से आप कोई भी कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। देखिए पूरे पूरे सेट पड़े हुए हैं, बहुत ही प्यारा यूनिक सा आइडिया ये। तो अगर आपने अपना बेडरूम सेट करना है, किड्स रूम सेट करना है, किड्स रूम के लिए भी वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लैंप हैं, टिशू बॉक्सेस साथ के हैं और ऊपर इतनी प्यारी प्यारी ज़बरदस्त किस्म की डिज़ाइनिंग हुई है, तो हर पीस पे ही दिल करा। चलिए जी, मेरा जो है मैंने यहाँ से बाय कर लिया था ईयर बैंड, तो घर जाके मैं आपको दिखाऊँगी, बल्कि फोटोशूट में कभी आपको दिखाऊँगी ज़रूर कि मैंने कौन सा वाला बाय किया था। तो नेक्स्ट व्लॉग आप सबने ज़रूर देखना है, क्योंकि शायद मैं नेक्स्ट व्लॉग में आ भी जाऊँ अगर मुझे इजाज़त मिल गई, तो दुआ करना कि अगर मुझे इजाज़त मिल जाती है तो नेक्स्ट व्लॉग में थोड़ी बहुत आ जाऊँगी आप सब, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट करी है, तो मैंने भी रिक्वेस्ट करनी है आगे, अगर मुझे जो है परमिशन मिल जाती है तो मैं ज़रूर आ जाऊँगी। तो फिर जी हम यहाँ से निकली हूँ और उसके बाद जो है 1020 की मार्केट में जाऊँ, ये ना जाऊँ ऐसे कैसे हो सकता है। तो 1020 की मार्केट में गई हूँ, ये एक न्यू यहाँ पे ओपन हुई है और इनके पास इतनी कोई ज़बरदस्त कलेक्शन होती है बच्चों के टॉयज़ की और इस तरह की घर की छोटी मोटी चीज़ें जो है यहाँ से बाय करती हूँ मैं, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी भी होती है और बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन और डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं यहाँ पे। हर चीज़ आपको मिलेगी, कपड़ों से लेकर जूतों से लेकर घर के एक एक चीज़ के सामान, इतनी कोई बड़ी मार्केट है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन अभी हम आप मेरी बातें छोड़ें, आप इंजॉय कीजिए, ये 1020 की मार्केट है, मतलब 10 से नहीं 1 से लेकर 20 तक है, तो 20 दिनम तक आपको यहाँ पे एक हर चीज़ मिल जाएगी, कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे बाय करनी हो तो क्वालिटी भी अच्छी होती है, और अगर क्वालिटी नहीं भी अच्छी होती तो 20 तक तो आपको पैसे भी आप ज़ाया कर देते हैं, तो अच्छा चीज़ बाय कर ले। तो यहाँ से जी मैं क्या लेती हूँ आपको आगे चल के बताती हूँ। पहले मैं सबसे यहाँ पे नीचे वाली साइड पे ना, ये जो है टॉयज़ और बच्चों की स्टेशनरी और चीज़ें वगैरह, लेकिन पहले मैं ऊपर क्यों जाती हूँ, क्योंकि ऊपर कपड़ों की तरफ मेरी नज़र होती है कि कुछ अच्छा सा पीस, कोई अच्छी चीज़ लग जाए, तो मैं पहले ड्रेसेस की तरफ जाती हूँ। तो ऊपर वाली पूरे पोर्शन में ड्रेसेस हैं, बच्चों के ड्रेसेस हैं, और पूरा पूरा फ्लोर आप देखें कि फुल भरा हुआ है, बहुत कोरोना में भी मेरी तरह के लोग घूम फिर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे क्यों खुशी खुशी जा रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ बच्चे नहीं हैं, बच्चे अपने बाबा के साथ गए हैं और मैं यहाँ पे इंजॉय करने आई हूँ। फ्राइडे को मैं ज़रूर जाती हूँ इंजॉय करने के लिए, अब क्योंकि मेरी सांस ही मार्केट के अंदर आती है, आप सबको तो अब तक अंदाज़ा हो गया होगा ना। तो विंडो शॉपिंग करूँ, ऐसा कभी होता है, कभी कभी विंडो शॉपिंग हो जाती है, और ऐसे बहुत दफ़ा होता है कि मैं कुछ ना कुछ तो ज़रूर घर लेके आती हूँ, जिसको देख के पूरा हफ्ता मेरा गुजरता है, पूरा वीक जो है मैं बहुत आराम से गुजरती हूँ। ये वाला चेक कीजिए, ये कहाँ पे था, ये मैं नेक्स्ट शॉप पे चली गई हूँ जी, ये नेक्स्ट शॉप में चली गई हूँ। और नेक्स्ट शॉप है जनाब शूज़ एंड बैग्स की शॉप, और देखिए इतना ज़बरदस्त यहाँ पे सेल टाइप लगी हुई हैं, और पीसेस चेक करें, शूज़ चेक करें, क्या बैग्स हैं, और हर स्लीपर और हर ही स्नीकर इतना कोई ज़बरदस्त डिज़ाइन है ना, बहुत ही स्टोन्स के साथ और यूनिक डिज़ाइन हैं, हर एक डिज़ाइन बहुत ही एक दूसरे से डिफरेंट और बहुत ज़बरदस्त है। तो मुझे वैसे यहाँ से कुछ बाय नहीं करना था, क्योंकि बहुत मेरे पास कलेक्शन हो गई है, बैग्स और शूज़ इकट्ठे कर करके पागल हो गई हूँ मैं, तो इसलिए मेरे दिल तो मेरा बहुत ज़्यादा कर रहा था कि सारा ही जैसे कि हर लड़की का करता है, लेकिन भाई जगह भी हो, और इसलिए मैंने सोचा कि ना ही बाय करो तो बेहतर, क्योंकि चीज़ पड़ी रहे फ़ायदा नहीं होता। वहाँ पर फैंसी कलेक्शन मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही थी, कि फैंसी में बहुत अच्छे स्लीपर्स भी थे और सैंडल्स भी बहुत ही प्यारे थे। तो अगर किसी ने बाय करनी है तो मैं आपको बताती हूँ इसके एड्रेस, आप चाहिएगा ज़रूर। शारजा में ये मार्केट है, और शारजा में ये अलवादा स्ट्रीट पे शुरू में ये मार्केट है, मतलब इसकी एक सेपरेट सी शॉप है, क्योंकि अलवादा स्ट्रीट में जो लोग जाते हैं शारजा में, उनको पता है कि उन वहाँ पे मॉल्स कम है, सिटी सेंटर है, बट उसके साथ साथ छोटी छोटी शॉप्स हैं जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं और अपने बजट के अंदर है, ये बहुत ही बजट फ्रेंडली यहाँ पर चीज़ें मिलती हैं, और इसलिए भी मैं इस तरफ ज़्यादा जाती हूँ कि यहाँ पे आपको कम बजट में इतनी कोई अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि बड़े बड़े मॉल्स में नहीं मिलती हैं, क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी होती है। लेकिन ये है कि ब्रांड, मैं ब्रांड कॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं हूँ, अगर आपको कोई अच्छा ब्रांड सेल में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको वही बात है कि इतना ज़्यादा पैसा फेंकने की क्या ज़रूरत है, जब आपको वही चीज़ क्वालिटी और
कम कीमत में मिल रही है तो इसमें क्या गलत बात है जी? चेक कीजिए कितना, ये भी ब्रांडेड सब चीज़ें, ब्रांड की कॉपी रिप्लिका सब कुछ आ चुका है जी, और कंफर्टेबल भी वैसे ही होता है, बस वो ये है कि ब्रांड होता है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो एक दो दफ़ा हम लोगों ने पहननी होती है तो इसके लिए क्या ज़रूरत है कि इतना जो है खर्च करें ना। यहाँ पे चेक कीजिए कि ये कितने क्यूट डिज़ाइंस थे यहाँ पे जी, ये भी 1020 वाली मार्केट में मुझे नज़र आई हैं, और ये यूनिक डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा जिसमें चेक करने कि कप के अंदर जो है ऐसा लग रहा है कि आप वाटर या फिर कलर वाटर है, लेकिन वाटर जो है वो इनसाइड बिल्कुल नहीं है, कलरफुल वाटर अंदर या फिर लिक्विड डाला हुआ है जो कि दूर से नज़र आ रहा है कि जैसे कि इसके अंदर आपने कुछ डाला हुआ, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है। और यूनिक डिज़ाइन है, प्यारा सा है और क्यूट सा है और डिफरेंट सा मुझे लगा, तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करें। बट ये है कि ये प्लास्टिक का जो है, मुझे प्लास्टिक के ग्लास और इस तरह के कप्स पसंद नहीं है क्योंकि अजीब सी इनमें स्मेल सी रह जाती है ना वॉश करने के, आफ्टर वॉश कर भी आपको ये जो है नहीं, इसकी स्मेल नहीं जाती।